अभी आप सामने देख सकते हैं बालाजी के दर्शन कीजिए, और ये गुरुदेव भगवान के आने से पहले देख सकते हैं भक्त आ चुके हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मौजूद हूँ अभी बागेश्वर धाम में, और अभी आप सामने देख सकते हैं श्री बागेश्वर बालाजी का मंदिर है। बिना कुछ बोले अब कराते हैं आपको बालाजी के दर्शन, फिर आगे की इन्फॉर्मेशन आगे देंगे वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोग बागेश्वर बालाजी मंदिर के दर्शन कीजिए, फिर ले चलेंगे आपको श्री राम दरबार की तरफ। वहाँ पर जो भीड़ भाड़ है आना स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग देख सकते हैं श्री बागेश्वर बालाजी के दर्शन कीजिए। हम कभी भी वीडियो में आपको दर्शन करवाए करें तो आप लोग प्रणाम कीजिए करें वहीं वीडियो में। तो आशा करता हूँ गाइस आप लोगों ने अच्छी तरीके से बालाजी के दर्शन कर लिए होंगे और अच्छी तरीके से प्रणाम कर लिया होगा। तो आज है 8 नवंबर, आज आएंगे शाम के टाइम पूज्य गुरुदेव भगवान, फिर 9 और 10 को लगेगा महादिव्य दरबार, और जो दीपावली महोत्सव मनाया जाएगा तो उसमें पूज्य सरकार धाम पर ही रहेंगे। तो कुछ भक्तों का कमेंट था कि पूज्य सरकार दीपावली महोत्सव में कहाँ पर रहेंगे, तो साफ साफ आपको बता दूँ पूज्य सरकार धाम पर ही रहेंगे उस समय। तो आप लोग आना चाहते हो आइए, घर पर मनाना चाहते हैं तो आप लोग दीपावली महोत्सव घर पर जो मनाइए, और जो सन्यासी बाबा और बालाजी के चरणों में मनाना चाहते हैं तो आप लोग धाम पर आ जाइएगा। तो धाम का कुछ इस प्रकार का सीन दिखाई पड़ता है। तो देख लीजिए इसके चारों तरफ कुछ भक्त दर्शन करके लौट रहे हैं, और अभी जो सुबह सुबह का टाइम है तो आप लोग सुबह के दर्शन कर लीजिएगा। और कुछ भक्तों का मन में डाउट होता होगा कि ये पास से चल के दर्शन क्यों नहीं कराता, ऐसा मंदिर का भीड़भाड़ ही दिखाता है। तो मैं आपको बता दूं साफ साफ, पहली बात तो यहाँ वीडियो बनाना अलाउड है नहीं, कुछ भी करके यहाँ वीडियो बना लेते हैं, कुछ अंदर का वीडियो इसलिए नहीं निकालते क्योंकि वहाँ पर मना है। और जो सेवादार है यहाँ मोबाइल फोड़ देते हैं, कई जो यूट्यूबरों के मोबाइल फोड़े भी गए हैं, तो इस कारण हम अंदर नहीं जाते। मोबाइल करेक्ट से नहीं ले सकते भाई, इसी मोबाइल से तो आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं डालते हैं यूट्यूब पर, तो ये मोबाइल ही नहीं रहेगा तो और फिर वीडियो बनाने का मतलब क्या है। बस यही एक कारण है कि इस कारण हम वीडियो नहीं बना सकते। पूज्य सरकार का आदेश भी है बालाजी के दर्शन न करवाएँ, दूर से ही करवाएँ। यूट्यूबरों का जो बोलते हैं सरकार, यूट्यूबरों को साफ साफ बोल देते हैं जानकारी देनी है तो वो बोल देते हैं यह जानकारी आप लोग पहुंचा दीजिए, और नहीं बोलना है तो वो साफ साफ मना कर देते हैं ये सीन आपको काट देना है, तो हम वो सीन काट देते हैं। पूज्य सरकार के खिलाफ हम नहीं जा सकते क्योंकि पूज्य सरकार पूजने गुरुदेव भगवान के खिलाफ जाना जो दंडनीय अपराध हो सकता है, इसके कारण हम उनके खिलाफ कभी नहीं जा सकते। अभी आप देख सकते हैं कुछ भक्त नीचे बैठकर दिया वगैरह जलाकर मान चालीसा का जप कर रहे हैं, माला का जप कर रहे हैं। तो पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं, बागेश्वर धाम आप लोग कभी भी आएँ तो ये गायों से बच कर रहें, ये पीछे से हमला कर देती है, आपको चोट वगैरह पहुंचा सकती है क्योंकि गाय बहुत ही अधिक मात्रा में है। तो आप लोग ये सामने देख सकते हैं गाय नीचे बैठा है भक्त, और उसको यह गाय लगी हुई है, तो देख सकते हैं आप लोग उसको परेशान कर रही है गाय। गायों से बच कर रहे हैं, पहले ही वीडियो में आप लोगों को बताया, देख सकते हैं कोई वो भक्त नारियल चढ़ा रहा है, ये गाय उसका नारियल देख सकते हैं आप लोग। गायों से बच कर रहिए, आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन जानकारी देती इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। तो 20 नवंबर से 22 नवंबर तक पूना में श्रीमद हनुमत कथा का आयोजन होने जा रहा है, तो जो भी पूना के आसपास के क्षेत्र के भक्त लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं, जो श्रीमद् भागवत कथा का लाभ उठा सकते हैं और राम नाम का जप कर सकते हैं वहाँ पर। तो देख लीजिए बागेश्वर बालाजी के मंदिर का दृश्य आप लोग कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ेगा। जब भी वीडियो डालते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर देखो।